साथ में कुकिंग मजा आ गया इसको। पापा जी ये पापा नहीं आता, पापा की फिंगर पकड़ के खड़ा हो जाएगा। ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर सो जाओ। देखो आज का क्या, पहले भी बहुत बड़ी वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मम्मी वहाँ पे कट कर रही हैं प्याज टमाटर, और मैं यहाँ पे लेकर बैठी हूँ ये वाला शिमला मिर्च और प्याज। यानी कि आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल क्या मैं आप लोग के साथ स्पेशल शेयर करने वाली हूँ, और वो है कढ़ाई पनीर एंड लच्छा पराठा। सोचा है लच्छा पराठा पहले कभी नहीं बनाया, बट आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, शॉर्ट्स में भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी मैं कट करूँगी, जो मोटी मोटी कट करते वो बारीक वाले मम्मी ने कट किया है, जा रही हूँ उसको भुनने के लिए चढ़ा देने। मेरे पास कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं है, रवीना चली गई है घर, मैं किसको बुलाऊँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है देखती हूँ मैं। फतेह देव जी से बोला मैंने कि आप मेरा शूट कर दो, आवाज़ जा रही है ना, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। सो गाइज, तो ये व्लॉग जो है सैटरडे का है, और मैं दो दिन से व्लॉग क्यों नहीं शूट कर रही हूँ, क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ, देखती हूँ मन किया तो अगले व्लॉग में बताऊँगी, नहीं तो फिर छोड़ दूँगी। यहाँ पे ना मैं किचन जो है साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं आज बहुत खुश थी और मैं ना स्पेशल डिश बना के और अपने घर वालों को खिलाने वाली थी क्या, मैंने खिलाया भी। तो यहाँ पे इसलिए मैं गैस साफ़ कर रही हूँ कि पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो खाना का प्रोसेस है वो शुरू करेंगे, खाना बनाएंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लच्छा पराठा एंड कढ़ाई पनीर, जो कि शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा, यहाँ डिटेल में देखिए। आपको पता है, मैं आज आपको बताता हूँ गाइस, यहाँ शीशे में मैं आपको दिख सकता हूँ और कैमरे के पीछे भी, थोड़ी सी तबीयत पति लोगों की ठीक नहीं होती है कि पत्नियाँ जो व्लॉगिंग कर रही हैं कैमरा मैन बना देती हैं। जो पति जी व्लॉगिंग करते हैं वो भी तो बना लेते हैं। नहीं भाई, तो उनका प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन कैमरा नहीं है। मेरा यही मानना है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस ये व्लॉगिंग के एक्सपीरियंस में जो नोट किया है ना, और एक छोटा बेबी भी यहाँ आ गया, हमारा छोटा बेबी आया है, ये छोटा बेबी आ चुका है, ये घर में घूमता रहता है, क्राउल करता है, ये छोटा बेबी ना अब क्राउल करता है, चलने नहीं आता है ना छोटा बेबी, अब क्राउल करते हो ना, हाँ ओनली क्राउल, अब खड़ा होने आता है, ये पापा नहीं आता, पापा की फिंगर पकड़ के खड़ा हो जाएगा, खड़ा तो ओ छोटा बेबी, मैं छोटा बेबी, ओहो, मतलब आपसे ऐसे चिपकती है, ओहो कितना लाड लगा रही, और मेरी सब्जी जल जाएगी, धनी धनी क्या करेगी, सब्जी जल जाएगी। तो गाइस देखिए, ये है मेरा क्या बोलते हूँ, क्या बना रही हूँ, कितनी पागल हूँ मैं, बना रही हूँ आज कढ़ाई पनीर। उसका ये प्याज है जो मुझे लगा था कि जल जाएगा, अभी जला नहीं है, सही है, रेड होने वाला है, इसके बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर ये वाला। ओके चलिए, और ये सारा सोना चांदी इस टाइम मुझे देते हुए, और ये कीमती ओ माय गॉड, उधर हो जाएगा ये स्टाइल मेरा सपना। और मम्मी ने बोला वो सारा पनीर बनाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा बना लो, थोड़ा तल के ले रख लो, वही सोच रही थी, देखती हूँ। तो अभी मैं यहाँ बनाने वाली हूँ लच्छा पराठा। मैं आपसे ये कहने वाली थी कि जो पति लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो पत्नियाँ उसमें कंटेंट के तौर पे दिखती है ना, या तो ब्लॉगिंग भी कुछ करना है, कंटेंट भी कुछ करना है, एक्टिंग भी तो करना है। क्या धनवी, पेट में दर्द हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा से बताओ, मम्मा दवाई देंगी, मम्मा से बोलो मम्मा दवाई दे दो, पेट में दवाई नहीं पीना आपको, ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर सो जाओ। साथ में कुकिंग मजा आ गया इसको, पापा जी ने कहा अच्छा आराम से कुकिंग। ये देखो फुल ब्लॉग देखो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, खाना कौन बना रहा है, लेकिन फिर भी डाइट पड़ जाए, हेल्प कर रहा हूँ, वही मैं कर सकती थी, लेकिन अच्छा लगा। दो जहाँ देख ले लो, मैडम दोस्तों थोड़ा सा
सस्ती है ये, मैंने वो नमक डाल दिया, थोड़ा पानी छोड़ दिया ना, तो अच्छे से गल जाएगा, फिर मैं उसको ठंडा करूँगी ठंडा करके। थोड़ा ये वाला गाना गाओ तो आपकी आवाज़ अच्छी है, ये वाली लाइन गाइस सुनेंगे। दो जहाँ दे के दे दूँ तो सस्ती है ये, सो के उठा है गाना याद करते हैं। किसी दिन ऐसे तो मैंने तारीफ क्या कर दी, उसी में अंगराई उंगराई के सब ले लिए। इसको ढकने के लिए मुझे एक कॉटन का कपड़ा चाहिए, हाँ वो वाला होगा ना डस्टर, नया वाइट वाला, नया वाला। हाँ, इसमें रोटी रखते हैं, इसमें नहीं हाँ। है क्या? नहीं है, नहीं मैं बताती हूँ कहाँ होगा। क्या बना रहे हो भाभी आप? भाभी आज बना रही हैं क्या? कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा। ओ बेटे चलो पार्टी होने लगी आज। आज पार्टी होगी राज, आज पार्टी होगी राज, खा के जाना ठीक है। ओके भाभी, और गरम गरम तुम्हें बिठा के खिलाऊंगी ठीक है। ठीक है, तुम अपना काम करते रहो, ये बनेगा जैसे ही। ओके ओके। पेस्ट के लिए इसमें मैंने लहसुन अदरक गरम मसाले के जो कुछ इंग्रेडिएंट गोड़ीला बना दूंगी, मैं नंगू घूम रहे हो ऐसे, वो सारी चीज़ें हैं जो गरम मसाले में आते हैं, बड़ी इलायची और वो स्टार जो है, और प्याज है, अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, तो मुझे इसको पीसना है। ये पनीर कट करके रखा है क्यूब शेप में, इसको मैं थोड़ा सा तलूँगी, और ये क्यूब शेप में प्याज और शिमला मिर्च है इसको ऊपर से डाल दूँगी। ये गोभी है, ये थोड़ा सा ही करना था, आधा कच्चा कच्चा, इसका ढक्कन ढूंढने में लगेगा मुझे टाइम ले गया, आज जल्दी आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा, राज है ना सामने, इसमें जल्दी कट के मारे मिल गया है ना। अच्छा कट करो ऐसा लगे ये भाभी कर रहा है। देखो गाइस ये गोल गोल घूम रहा है, कुछ देर बाद ये ब्रेक भी लेगा, इसने ब्रेक भी ले चुका है, अब इसे निकाल रहे हैं कि हुआ है कि नहीं। वाओ वाओ डिलीशियस, यहाँ जल गया मेरा, इसको बंद करना पड़ेगा वरना मेरा पनीर चला जाएगा, जल सा जाएगा। गरम हो गई सब, तुम्हारे हंसी मजाक के चक्कर में धुआं छोड़ने लगा है तेल, अभी दो मिनट में गरम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, गरम नहीं दोबारा होगा। पनीर कर लूंगी आराम से, तो की घर वाले के। हां अपना दिमाग मैं गौर नहीं कर रहा, मैं चाय पी ली अब दो। ओके गाइस, जैसा कि मुझे बताया था, मैं फर्स्ट टाइम जो है लच्छा पराठा वो कर रही हूँ ट्राई, तो ये मैंने दूसरे तरीके से किया, बट मुझे लग रहा है ये उतने अच्छे से इसमें लच्छे नहीं निकलेंगे, तो मैं दूसरा वाला ट्राई करूँगी, फिर भी दिख रहा है, दिख रहा है मुझे लच्छा। हाँ दिख रहा है, आज से आगे तो दिख रहा है, तो आँच कम कर रखा है लाल मेरा, तो मैं दूसरा वाला ट्राई करूँगी और वो सॉस में चलूँगी। वैसे ये तो बन ही गया है, थोड़ा सा ये देखो और है ना, दूसरा वाला ट्राई करूँगी, और सब्जी में आप लोगों को दिखा दूँ, मेरी सब्जी बन के तैयार है, अपना पास ले आओ प्याज और दूर ले जाना, मस्त दिख रहा है ना। या, देखो ऐसा लग रहा है ना ढाबे का, ढाबे का ढाबे वाला कढ़ाई पनीर, कढ़ाई आ रही है ना। नाक के राज में राज के नाक में, तो कहते हैं नाक के राज में घुस चुका है मेरा कढ़ाई पनीर, ओके बहुत अच्छा है। सो अभी जो है एक लच्छा पराठा फ्राई करते हैं नॉर्मल है ना, चलो उसको काटो। गाइस ये देखो मेरा स्पीड, ये थोड़ा सा मुड़ गया, कोई बात नहीं ठीक है। मैंने अभी ये वाला बनाया था, ये बिना ये देखो फिर भी ये बन चुका है ना, हाँ। ये बिना मैंने कट किए बनाया था, इसे फोल्ड करके, अब मैं ये दोनों ट्राई कर रही हूँ, जो वाला सही बनेगा वो वाला मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ऐसे शेयर तो शॉर्ट्स में ये वाला ही कर दूँगी,
ये हो गया और इसको ऐसे तो ऐसे तो मैं करती रह जाऊँगी। चलो करके देखती हूँ, वो करो काटो। सो गाइस, तो आज राज ट्राई कर रहा है मेरा डिश और बताएगा। फर्स्ट वाला नहीं बढ़िया बनाया है आज का खाना। आज क्या क्या पहले भी बहुत बड़ी थी। जब भी मैं कढ़ाई पनीर बहुत अच्छी बनी है सच्ची, लग रहा ढाबे वाला, ढाबे से भी बेस्ट है। रोटी रोटी लच्छा रोटी भी बढ़िया बनी है, खाने में मजा आ गया। चलो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खाओ, सच्ची में बहुत बढ़िया बना है सच्ची में। मेरी तरफ से 100 में से 100 देसा को 50 हो गया है ना, तुम 100 दे दो। चलो खा लो पहले। तो मान गए ना, खाना सच में अच्छा है। पनीर ऐसा लग नहीं रहा देख के कि ये बाजारू है या घर का बना हुआ है। ढाबा स्टाइल। ओके, और एक सेकंड, ये जो लच्छा पराठा है ये भी सीख गया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि लच्छे पराठे घर में ऐसे इस तरह से बनेंगे, जो ऐसे पूरे दम लच्छे दिखाओ। सेकंड वाले को दिखाओ, सेकंड ये तो तोड़ दिया है आपने, यहाँ से खुलेगा ऐसे, बिल्कुल लच्छा लच्छा खुलने वाला। तो मान गए काम नहीं था, मान गए खाना तो आप बना लेते, सिखाया कोई भी। हाँ, वर्ल्ड बेस्ट कुक मिस्टर कुक विद अजीत सिंह है। मास्टर सेफ अजीत सिंह, मास्टर सेफ अजीत सिंह, इन्होंने सिखाया है। और खाने का सब कह रहे लाजवाब, मैंने अभी नहीं खाना, मुझे थोड़ी देर बाद खाऊंगी। सो गाइस, सब फाइनली यही राज भी खाया था। फाइनली मैं अब अपना जो है खाना खाने वाली हूँ। यस, सब्जी में जो खुशबू है ना बता नहीं सकती। सबने खा लिया है, बस मुझे दो, सिर्फ मेरे दो पराठे कम थे, तो मैंने क्या किया अभी फिर आटा गूंदा और उसका बना लिया। बाकी सबने खा लिया, सिर्फ दो ही पराठे कम पड़े थे मेरे लिए और एक बाबू के लिए। तीन बनाए, एक बाबू के लिए दो मिनट का। ये देखा था, ये देखा था, इसमें और होगा तीन कलर है उससे। हाँ, ये वाला ज्यादा अच्छा है ना, ये वाला मेरे को भी बहुत पसंद है। सबको अच्छा लग रहा है, हमने बोला था ये वॉर्म वाला ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा लग रहा है ना आंखों पे, या मतलब इसकी ब्राइट चमक ज्यादा है। इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए, शुभ काम करने से पहले मीठा हो जाए। आप ले लो, मेरा दांत सड़ जाएंगे। आप भी क्या याद रखोगे, देखो देखो, अच्छा ब्रांड देखो, ये लो ये लो, हम भी यूज कर रहे हैं। आज भी क्या है, हिमालय का छोटे से गिफ्ट में पोला दिया। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे हम दोनों पति पत्नी निकल चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनका जलेबी खाने का मन किया है। हाँ यार, हम जलेबी खाने जा रहे हैं। मतलब देख लो हमारा क्रेज, देखो जलेबी का, मतलब मुझे नहीं पसंद, इनको जलेबी बहुत ज्यादा पसंद है, इनको और पापा जी को, तो ये खाएंगे और पापा जी का सबको लेके आएंगे। ऐसे गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है ऐसे, है ना, इसलिए। तो अभी हम जलेबी लेने खाने जा रहे हैं और कुछ बाबू का दवाई वाई लेना है, वो सब लेंगे और फिर आते हैं। फिर मैंने अभी बोला है, ऑन कैमरा तो बोला नहीं, अभी मैं बता दूं, मैं मम्मी से भी एक दो दिन पहले बोल रही थी कि मम्मी पता है क्या, जब विकास होते हैं ना घर में, तब मुझे कुछ स्पेशल बना के खिलाने में बहुत मजा आता है। सच में मुझे बहुत खुशी होती है ना जब वो होते हैं, छेड़ता रहता है ना। हाँ, और मतलब कि एक होता है ना कि हम किसी को किसी के लिए हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं तो हमारे साथ, हम सबके लिए बना है, तो कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करता है उस चीज को पूरे उत्साह के साथ, तो वो विकास करते हैं, छेड़ के टांग खींच के हंसी मजाक करके तारीफ करके। हाँ, तो मुझे ना बहुत वो होता है, तो उनको ना खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मैं किसी दिन सोचती हूँ और उसके अगले दिन वो आ ही जाते हैं, ऐसा होता है भी है। अभी आ गए और मैंने ना बनाया था जब पराठा, तो आटा सिर्फ दो रोटी का कम हुआ था, तीन रोटी का जो मैंने बाद में बनाया था, और आटा थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा गूंद दिया था और वो मैं रख दी थी। अब मैंने बोला कि चलो अच्छा, उस आप ही के नाम पे वो आटा जो है गूंदा गया था, सब्जी भी है, मैं आपको बना के अभी खिलाऊंगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं आती हूँ जलेबी खा के, फिर मैं आपके लिए बनाती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ना जब कोई ऐसे बोलता है, तारीफ करता है। तो चलिए गाइस, तो जलेबी खाते हैं। और बोलिए और आप लोगों के प्यार से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, दया से सेहत अब ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने इतनी सारी विशेज़ दी और दुआएं करी, तो
तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। अभी सेहत ठीक है। Okay, और बार बार कुछ लोग जो लोग नहीं जानते वो पूछते हैं, विकास मेरे मौसी सास के बेटे हैं, मौसेरे देवर हैं, बहुत लोग बार बार पूछते हैं कि कौन है। ठीक है, तो गाइस पतिदेव जी को जलेबी खाने का मन था तो यहाँ आए थे खाने के लिए, फिर हमने थोड़ा सा खाया, बाकी सारा जो हमने पैक करवा लिया, इन्होंने बोला पैक करवा के घर ले चलते हैं और वहीं पे सबके साथ खाएंगे। मैंने बोला हाँ ये आइडिया ज़्यादा अच्छा है, सारा पैक करवा लो उसके बाद घर पे चलते हैं। लेकिन हम जलेबी भी इतना एक्स्ट्रा लेके आ गए थे ना कि बच ही गया। अच्छा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जो लच्छा पराठा और कढ़ाई पनीर बना था ना, सब ने पूरी फैमिली ने बहुत तारीफ़ की, जो भी नहीं भी तारीफ़ करे लेकिन उनके खाने के तरीके से पता चल जाता है कि जो लोग एक रोटी खाते हैं अगर वो तीन खा लें तो समझ जाइए कि हाँ चीज़ें अच्छी बनी है, तभी वो खा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको भी अपने ससुराल में ये ताने मिलते हैं जैसा कि हमें मिलता है? शादी के 8 साल हो गए, बस यही ताने मिलते हैं, कितना भी अच्छा टेस्टी खाना बना लो अच्छा है ठीक है, लेकिन पति लोग बोलते हैं मेरी माँ जैसा खाना नहीं बना सकती हमेशा ही, मतलब वो तो बिल्कुल नप्पा तोला इतना टेस्टी। और मेरा रिप्लाई बस एक ही होता है, माँ के जैसा कोई भी नहीं बना सकता, माँ के हाथ की बात ही अलग होती है। उसमें रख दो ना, ये भी उस वही होगा इसी में का, ये इधर का बाकी उसमें सब निकाल। और रात का टाइम था, मैं किचन साफ़ कर रही थी, बर्तन धोने जा रही थी, तब तक यहाँ पे धनवी किसी चीज़ को लेके आपको यहाँ पे रो रही थी, बोल रही थी मैं आपको ना वो व्लॉग जो है धनु के चैनल पर देखने को मिलेगा कि धनवी क्यों ऐसे कर रही थी। तो धनुआ की दुनिया चैनल का नाम है, वहाँ पे आप लोग जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, कामनीस किचन के नाम से मैंने कामनी किचन एंड शॉर्ट्स के नाम से मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, तो आप लोग जाइए और प्लीज़ वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं किचन से रिलेटेड जो भी व्लॉग्स है वो सारे व्लॉग्स मैं वहाँ पे डालूँ, आप लोग साथ शेयर करूँ। क्योंकि आप लोग हमेशा से बोलते थे कि दी आप ऐसा कोई चैनल स्टार्ट करो जहाँ पे सिर्फ कुकिंग शेयर कर सको, तो मैं वहाँ पे कुकिंग सारे शेयर कर रही हूँ और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे व्यूज़ देंगे ना, तो मेरा मन भी जाएगा उधर कि मैं भी उस चैनल पर एक्टिव रहूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।